वीडियो में हम पढ़ेंगे नोबल लेक्चर बाय मदर टेरेसा। यह 1979 में मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज दिया गया था, तब उन्होंने ये लेक्चर ये भाषण दिया था और यहाँ पे हम उसी लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मदर टेरेसा कहती है कि हम सभी यहाँ पे नोबल पीस प्राइज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम सभी असीजी के सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना पढ़े, जो हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करता है। हम सभी हर रोज होली कम्युनिकेशन के बाद इस प्रार्थना को करते हैं, क्योंकि हम में से प्रत्येक के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है, सही है। और मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि 400 से 500 साल पहले असीजी के सेंट फ्रांसिस में भी यही सभी प्रॉब्लम्स थी जो आज हमें है। इसलिए इस प्रार्थना की रचना की गई थी, इस प्रार्थना को कंपोज किया गया था। आज अगर हम सभी भी इस प्रार्थना को करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसे पहले ही समझ लिया होगा, इसलिए अब हम सभी इसे एक साथ करेंगे, मतलब इस प्रार्थना को अब हम सब एक साथ गाएंगे। आइए हम ईश्वर को इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज हम सभी के पास है, फॉर द गिफ्ट ऑफ पीस, शांति के उस उपहार के लिए जो हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी शांति से जीने के लिए बनाए गए हैं, और जिसे उस खुशखबरी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए इंसान बने, ईश्वर इंसान का रूप ले हम सभी के बीच आए। उनमें वो सभी बातें इंसान की तरह थी, सिवाय पाप के वो पाप रहित थे, और उन्होंने ये क्लियरली प्रोक्लेम किया, घोषणा किया कि वो गुड न्यूज खुशखबरी देने आए हैं जो कि शांति है, या कुछ ऐसा जो हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, और ईश्वर इस दुनिया से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को इस दुनिया को दे दिया। यह एक दान था और उन्होंने उसे वर्जिन मैरी को दिया, यानी कि ईश्वर ने इस दुनिया में शांति बनाने के लिए अपने बेटे को, जीसस को, इंसानों के बीच वर्जिन मैरी को दिया। और उसने क्या किया, जैसे ही वो वर्जिन मैरी की लाइफ में जीवन में आया, तुरंत वह खुशखबरी देने चली गई, और जैसे ही वो अपने कजन के घर, चचेरे भाई के घर आई, एलिजाबेथ के गर्भ में पल रहा बच्चा खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो समझ गया कि वो छोटा अजन्मा बच्चा जो कि वर्जिन मैरी के गर्भ में है, वो शांति का पहला दूत है। उसने शांति के राजकुमार को पहचान लिया, वो समझ गया कि क्रिस्ट आए हैं हम सभी को, तुम्हें, मुझे, सभी को अच्छी खुशखबरी सुनाने के लिए। ईश्वर ने अपने महान प्रेम को दिखाने के लिए क्रॉस पर अपनी जान दे दी, वो क्रॉस पे मर गए, और वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, और उस स्लीपर के लिए, यानी कि कोड़ी के लिए, उस आदमी के लिए जो भूख से मर रहा था, और वो नेकेड नंगे इंसान जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, जो न कि केवल कलकत्ता की गली में पड़ा था बल्कि अफ्रीका, न्यूयॉर्क, लंदन और ओस्लो में भी, उन सबके लिए ईश्वर ने अपनी जान दे दी। और ईश्वर ने हम सबसे ये डिमांड की, वो हम सबसे ये चाहते हैं कि जैसे वो सभी से प्यार करते हैं, जैसे वो हम सभी से प्यार करते हैं, वैसे हम सब भी एक दूसरे से प्यार करें, आपस में मिलजुल कर रहे। और हम लोगों ने गॉस्पेल में भी ये पढ़ा है, जहाँ जीसस कहते हैं, जैसे मैंने तुम सबसे प्यार किया, वैसे तुम सभी भी एक दूसरे से प्यार करो। जिस तरह ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मैं भी तुम सबसे प्यार करता हूँ, चाहे दुख हो या सुख हो, हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम ईश्वर से प्यार करते हो पर अपने पड़ोसी से नहीं करते। सेंट जॉन्स ये कहते हैं कि तुम झूठे हो अगर तुम ये कहते हो कि तुम ईश्वर से प्यार करते हो मगर अपने पड़ोसी से नहीं। तुम कैसे ईश्वर से प्यार कर सकते हो जिसे तुम देख नहीं सकते, और कैसे तुम अपने उस पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते जिसे तुम देखते हो, जिसे तुम छू सकते हो और जिसके साथ तुम रहते हो। तो इसलिए उस प्यार को रियलाइज करना बहुत ही जरूरी है। हम जो प्यार करें वो सच्चा हो, उससे किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, वो किसी को भी हर्ट ना करे। अब मदर टेरेसा कहती है,
कि मैं उस मौके को कभी भी नहीं भूल सकती और कभी भी नहीं भूलती जब मुझे उन बूढ़े माँ बाप के घर जाकर उनसे मिलने का मौका मिलता है जिनके बच्चे उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर भूल गए हैं। मैंने वहां जाकर देखा, उन बूढ़े माँ बाप के पास सभी सुंदर चीजें थी पर फिर भी वो हमेशा दरवाजे की तरह देखते थे और उनमें से किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी मैंने, क्योंकि वो सभी अभी भी इस आस में है कि उस दरवाजे से किसी न किसी दिन उनके बच्चे आएंगे, पर अभी तक कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। आज के वीडियो में बस यही तक, इसके आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। इस वीडियो का अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।